अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे नौजवानों, आज एक शेर मेरे जहन में क्या काबिल अजमेरी का शेर है। काबिल अजमेरी की को मैं बहुत पसंद करता हूँ। वो बहुत टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छे अशार कहता है, जिसमें किसी किस्म की वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं जो आम शोरों में पाई जाती हैं। क्या कहता है वो, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते। सुने आप कितनी प्यारी बात कह रहा है। लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। कितनी प्यारी कितनी गहरी बात कही है इस शख्स ने। देखें, एक तो इंसान की अहमियत को वाज़े किया है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और हैवान नातिक बनाया कि उसको ज़ुबान दी, वो बात करता है। अब ये देखें आप, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। अब ये इंसानियत पूरी दुनिया के पूरी दुनिया को इसके लिए बनाया गया है। इसके आमाल, इसके अल्फाज जवाबदेह हैं आखिरत में कि इसने दुनिया में रहते हुए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, इसने अपनी दुनिया में रहते हुए किस तरह से लोगों से ख़िताब किया, इसने दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप से कैसा सलूक किया, वो अल्फाजी से तो किया होगा ना। तो ये अल्फाज तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। ये बहरहाल मुख्तलिफ तरीक़े से मुख्तलिफ अंदाज में इस चीज़ को कहा जा सकता है। मैं अपने मतलब की बात घसीटता हूँ इसमें। मैं चाहता ही हूँ कि इंसानियत के नाते हर चीज़ को समझने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को नातिक बनाया है, गुफ्तगू करने वाला बनाया है, तो ज़ाहिर है कि गुफ्तगू जो करता है उसकी तो कोई वजह है ना। अल्लाह ने उसको जो ज़ुबान दी है उसकी वजह तो है ना। तो ज़ाहिर है कि जो काम भी ये करता है उसके असरात मुरत्तब होते हैं, वही मुरत्तब होते हैं और बिल्कुल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आप साकिन झील में अगर पत्थर मारें तो देखें उसकी लहरें बनती चली जाती हैं, आखिर तक आगे तक चली जाती हैं। यही हाल इंसान के अपने आमाल का है, अपनी ज़ुबान का है, अपने अल्फाज का है कि वो जैसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है उसका असर पूरे माहौल पे पड़ता है, पूरे माहौल पे पड़ता है। दिल से इंसान, ज़ुबान से इंसान दिल जीत लेता है और ज़ुबान से इंसान दूसरों को अपने से शागी बना देता है। बहरहाल, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं ये एहसास दिलाऊं नौजवानों को कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखें और उसको बेहतर इस्तेमाल करें। इस ज़ुबान के अल्फाज जो निकलते हैं उनका बड़ा असर होता है। आपने सुना होगा कि तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन ज़ुबान से अदा किए हुए अल्फाज का घाव ज़िंदगी भर नहीं भरता। तो ये सब इसी तरह से इस अशार से मतलब अख़ज़ किया जा सकता है। लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। तो मेरे नौजवानों, इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ी अहम हैसियत नसीहत मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप बोलने में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने बिहेवियर में नरमी पैदा करें, खुशगवार अल्फाज इस्तेमाल करने की आदत डालें, अच्छे और मुख्तसर चीज़ें बोलने की आदत डालें, और ये आदत डालें कि जो आप कहें वो मायने रखता हो, उसका कोई असर होता हो। ला याने बे मायने
अब अल्फाज अदा करना है, अपने वक्त ज़ाय करना है। आप जो हैं ऐसे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे कि इर्द गिर्द के माहौल पर अच्छा असर हो, वह असर आगे चलता चला जाए। अब देखें ना, इस शायर ने ये अल्फाज कहे, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। क्या बात है, क्या बात है, ज़िंदगी की हकीकत बयान हो जाती है। जैसे इसी शायर का एक रुबाई है, चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दतों महवे आस रहता हूँ। अभी शायर मर गया लेकिन इसके अशार देखें क्या मायने रखते हैं। वाह वाह वाह, चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दतों महवे आस रहता हूँ। क्या बात है इसमें, मैंने आदमी की ज़िंदगी की हकीकत को बताया है कि बाज़ मौके ऐसे होते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें मिलती चली जाती हैं और उसके बाद में फिर हम महरूम हो जाते हैं और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है वो निशात की, साधों का। चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दतों में वे आस रहता हूँ। तो ये बात अल्फाज की कह रहा था, अल्फाज अच्छे बयान करें, एतमाद के साथ बयान करें। जैसे कि एहसान दानिश कहता है, कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी दुनिया को, कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी दुनिया को, दिलों की बर्फ़ को शोलों में ढालने के लिए, दिलों की बर्फ़ को शोलों में ढालने के लिए, कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी दुनिया को, दिलों की बर्फ़ को शोलों में ढालने के लिए। ये एहसान दानिश के अल्फाज हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे अशार कहें, जैसे वो अब इस उम्र में, जिस उम्र में बैठा हूँ उस एतबार से मुझे एक शेर याद आता है चेकबस्त का, बावदे भारी चल रहा, चल बादे बाहरी राह लग अपनी, बादे बाहरी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझिए हम बेजार बैठे हैं। अभी जिस उम्र में मैं हूँ, ये उम्र ऐसी है जिसमें चल चलाओ का वक्त बहुत ही कहना भी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ बस सानियों की बात है कि हम दास्तानों में रह जाएंगे। 86 साल की उम्र बहुत कम लोगों को मिलती है। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि देखो किस्मत की बात है कि हमें इतनी बड़ी उम्र मिल गई है जिसमें आराम से बैठ के, सबसे बड़ा फ़ायदा था मैं बड़ी उम्र का, मैं ये समझता हूँ इंसान को अल्लाह से अपने आमाल की वो कर ले, यानी उसे भगवान ईश्वर की तरफ ध्यान देने का मौका मिल जाता है। जिसने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी, इंसानियत के लिए बेहतर काम करने का मौका मिल जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश करता है। दुनिया में आप देखें ज़्यादातर लोग बड़ी उम्रों तक पहुँचते पहुँचते बड़े बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। इसी तरह से लोगों की बातें याद रखी जाती हैं, बहुत याद रखी जाती हैं, फिर कोट की जाती हैं, फला आदमी ने ऐसी बात कही। अब जैसे ही अब मैं आपके सामने काबिल अजमेरी का शेर दोहरा रहा हूँ, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक। इसी तरह से इसके बहुत अच्छे अच्छे अशार हैं, बहुत अच्छे अच्छे अशार हैं। उतर तो सकते हो पार लेकिन माल पर भी निगाह कर लो। ये इंसानियत के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है इसमें, उतर तो सकते हो पार लेकिन माल पर भी निगाह कर लो, खुदा ना करदा सुकून साहिल नाराज आया तो क्या करो, खुदा ना करदा सुकून साहिल नाराज आया तो क्या करोगे। क्या इसमें कि आप अपने जो अच्छे काम किए हैं उन पर निगाह डाल लो,
ताकि जो आइंदा जो वक्त आने वाला है उसमें मेरा आपको पछताना ना पड़े। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, अच्छे आमाल करो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने आमाल से मुतासर करो, अपने अखलाक से मुतासर करो। यह है असल मोटो इंसानियत का कि आपने हर हाल में अपने इर्द गिर्द के माहौल को जगमगाना है, चमकाना है, खूबसूरत बनाना है। यह है इंसानियत का काम। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा कि अपनी इस दुनिया को मज़ीद बेहतर अच्छी बनाए। अब जिन्होंने हवाई जहाज़ बना दिया, कारें बना दी और जनाब बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया, कि ये मामूली काम है? जिन लोगों ने ऐसा किया, जिसने बल्ब बनाया, याद किया जाता है ना, जो ये सर्जरी में इसमें और मेडिकल में जो तरक्की कर रहे हैं इंसान, ये सब याद किया जाएगा ना जिन लोगों ने इसमें काम किया है। बस इससे आप महसूस कर लो, अल्लाह ताला ने खुद डाल दी मेरे दिल में बात, ये बात करने के लिए कि भई आप ऐसे काम करके जाएं जिससे आइंदा इंसानियत आपको याद रखे, आगे इंसानियत आपको याद रखे। यह है सबसे बड़ी बात। अल्फाज की शक्ल में मैंने कहा, जब आप अच्छे अल्फाज अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो दुनिया में आपको याद किया जाएगा। आप अपने ख़ानदान में देखते हैं होंगे कि बहुत से हज़रात आपको बहुत याद आते हैं, कि उनकी गुफ्तगू आपको उनको याद आती है, उनकी बातें आपको याद आती हैं। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, ज़ाफ़रान ज़ार आदमी थे और गुफ्तगू करते थे तो फूल बरसते थे, कोई लायाने बात नहीं करते थे, अशार पढ़ते थे ऐसा लगता था जैसे कि बस अशार पढ़ने से ही उनकी अशार पढ़ने की हकीकत वाज़ हो गई। फ़ारसी के अशार जो हमें नहीं आते, वो जब जिस अंदाज में पढ़ते थे, वो इस अंदाज के पढ़ने में ही हमें उस शेर का मतलब समझ में आ जाता। अब ये एक अशार है शेर का, ऊंचे अज़रोज़े अज़ल, ऊंचे अज़रोज़े अज़ल गश्ता रकम, ऊंचे अज़रोज़े अज़ल गश्ता रकम, कस न गर्दद बाद अज़ा हरफ़ रकम। अब देखें तकदीर के मुतालिक ये शेर है, मगर ऐसा कहा उन्होंने कि हमारी समझ में आ गया, याद है हमें, क्योंकि फ़ारसी ना हमारी यानी तालीम है उसमें, ना हमें शौक़ है इसका। दुनिया में बहुत कम लोग 1% भी नहीं बोलते, बड़ा ज़िंदगी में बोलने दुनिया बोलने वाली ज़ुबान है अंग्रेज़ी है, और आइंदा जो मुझे नज़र आता है उर्दू हो जाएगी। आज की बात जो शुरू की थी वो ये थी, लफ्ज़ तासीर खो नहीं सकते, ज़िंदगी की उमंग है जब तक, इस ज़िंदगी की जो सांस दौड़ चल रही है ना, उस हद तक जो आप अच्छे अल्फाज बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अखलाक से लोगों से मुखातिब होंगे, तो वो असरात नस्लों चलेंगे, वो चीज़ें आपको हमेशा हमेशा अमर कर जाएंगी। बस ये है आज की बात कि हमें बेहतरीन अल्फाज बेहतरीन अखलाक के साथ में अपने माहौल को खुशगवार रखना है।